इंजीनियर राशिद के सलाखों से बाहर आने के बाद जम्मू कश्मीर का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इंजीनियर राशिद को जनता का एक बड़ा सपोर्ट मिलने पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला टेंशन में आ गए हैं। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही उन्होंने जमीन पर सजदा किया, उसे चूमा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। कहा कि नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इंजीनियर राशिद आतंकियों को फंडिंग करने के आरोप में 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे। एआईपी के संस्थापक इंजीनियर राशिद को दिल्ली के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद ने श्रीनगर में कदम रखा और अब वो अपनी उत्तरी कश्मीर में चुनावी रैली करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि जमानत सिर्फ 2 अक्टूबर तक के लिए ही है, ताकि वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार कर पाए। साथ ही कोर्ट ने ये शर्त भी लगा दी है कि वो चल रहे मामले में मीडिया से बात नहीं कर सकते। विधानसभा चुनाव में आवामी इत्तेहाद पार्टी पर सभी की खास नजर है। वहीं इस पार्टी के नेता इंजीनियर राशिद के जेल से बाहर आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की टेंशन बढ़ गई है। राशिद वही शख्स हैं जिन्होंने जेल में बंद रहने के बाद भी लोकसभा चुनाव 2024 में उमर अब्दुल्ला को बारामूला लोकसभा सीट से हराया था। अब जबकि वो चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आ गए हैं, तो जनता का एक हुजूम उनके साथ नजर आ रहा है। इसकी वजह से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को बयान भी दिया। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद की रिहाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर बीजेपी ने हंगामा शुरू किया था, लेकिन राशिद की रिहाई पर सब खामोश है, जो साबित करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने इंजीनियर राशिद को बीजेपी का प्रॉक्सी बताया और कहा कि इसे वोट बांटने के लिए खड़ा किया गया है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको बता दें कि 10 सालों के बाद जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आखिरी विधानसभा चुनाव 2024 में हुए थे, तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। फिर 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई थी और इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन लगा हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के बीच 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी और उसी साल 5 अगस्त 2019 को बीजेपी ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। अब 10 साल के बाद फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी ने गठबंधन कर लिया है। इंजीनियर राशिद की बात करें तो वो लंबे वक्त से सलाखों के पीछे हैं और यही वजह है कि वो जनता की हमदर्दी बटोरने में कामयाब हो रहे हैं। इंजीनियर राशिद ने विधानसभा के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कैदियों की रिहाई और पीएसए और यूएसपीए को रद्द करने का वादा किया है। राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख सरकारी टीचर थे, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। इनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में घाटी में करीब 20 सीटों पर उन्हें जीत मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो एआईपी जम्मू कश्मीर की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरेगी और यह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए एक बड़े झटके की तरह होगा। मैं हूं रूबा अंसारी, आप देख रहे थे मिलट टाइम्स।